लार पढ़ा करवाई हूँ। हम सेकेंड ईयर का मैथ चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज बेटा हम 3.4 कर रहे हैं। 3.4 में हम क्वेश्चन नंबर 5 के 2 जो ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा जो करना है। तो बेटा उसके लिए जरा दो फार्मूले जरा ध्यान में रख लें। एक तो बेटा ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e की ax, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है भी e की ax x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो नीचे, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन बनती है e की ax की, e की ax ओवर a। फर्स्ट सेकंड बेटा आपको ये फार्मूला इसका ज़हन में होना चाहिए, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इनवर्स है, इसकी डेरिवेशन होती है 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e की ax ओवर a प्लस c, इसी तरह डेरिवेशन ऑफ सेकंड इनवर्स x, ये बराबर होती है 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो बेटा ये दो जो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों पे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा जो बेस करेगा। जरा शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो नंबर 3 क्वेश्चन 5 नंबर 3 क्वेश्चन है e की ax a secant inverse x plus 1 over x x square minus 1 into d of x। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम पहले ये जो ax बाहर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जरा ज़हन में रखिएगा ax पहली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ax सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हमारे पास आ गया e की ax a सेकंड इनवर्स x इनटू d ऑफ x, इसी तरह e की ax इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया e की ax 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1 इनटू d ऑफ x। अब बेटा यहां हमारे पास थ्री वैल्यूज है, a कांस्टेंट है, तो a बेटा जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर। अब हमारे पास बेटा ये दो वैल्यूज है e की ax secant इनवर्स x, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनवर्स वाली वैल्यू log वाली वैल्यू, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनवर्स वाली कोई भी वैल्यू वो इंटीग्रेशन में पहले नंबर पे आप उसकी प्लेस रखेंगे, यानी e की, ये आ गया हमारे पास
derivation of first ये पहली वैल्यू पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। अब ये जो बेटा सेकंड वैल्यू हमने कहा था एज इट इज रखनी है, इसको आप एज इट इज आगे लिख लें, ये बनेगा हमारे पास a सेकंड इनवर्स x, या अगर e की ax ओवर a माइनस e की ax ओवर a। अब बेटा जरा देखें सेकंड इनवर्स x के हमने जब फार्मूले पहले दो लिखे हैं उसमें हमने डेरिवेशन पढ़ी, वो बेटा हमारे पास होती है डेरिवेशन 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1 इनटू d ऑफ x। इस सेकंड वैल्यू बेटा एज इट इज, आप जरा गौर कीजिएगा ये दो वैल्यूज है और इन दोनों वैल्यूज में जरा गौर करें तो e जो है वो इसके नीचे e की ax के नीचे है, e की ax के नीचे है, यानी यहां से आप 1 ओवर a दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन ले लें या इसी के साथ a के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो बेहतर है आप 1 ओवर a कॉमन ले लें। तो a 1 ओवर a कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई e की ax secant inverse x, इसी तरह ये वैल्यू बन गई e की ax 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1 d ऑफ x प्लस e की ax 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1 इनटू d ऑफ x। तो बेटा ये a जो है a के साथ क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास ये बाहर 1 है, बेटा 1 को किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, रकम वही है, 1 को किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं रकम वही आनी है, तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ब्रैकेट अगर खत्म करेंगे तो e की ax secant inverse x माइनस e की ax 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1 इनटू d ऑफ x। अब नेक्स्ट वैल्यू की बेटा हमारे पास ये प्लस e की ax 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1 इनटू d ऑफ x। अब बेटा ये जरा गौर करें ये दो वैल्यूज प्लस और माइनस की कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की ax secant inverse x प्लस ये बेटा जवाब है, यही वैल्यू हमने क्या करनी थी फाइंड। लो बेटा जी हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट यूज करने लगे हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है, जूस नंबर 6 बेटा देखिएगा, अहम जूस है आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास नंबर 6 x px 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब बेटा अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे जिसमें वैल्यू का होल स्क्वायर है, तो आपने स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है जिस तरह स्क्वायर
एक पे वैल्यू में कोई फर्क नहीं। अब ex है, ex को मल्टीप्लाई करें, अब अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, हम इनको दो वैल्यूज पर डिवाइड करते हैं। एक वैल्यू हमारे पास 1 plus x, दूसरी वैल्यू हमारे पास 1। अब ex को पहले जरा दे देते हैं 1 plus x के साथ, ये आएगा 1 plus x ex minus। अब सेकंड वैल्यू है 1, ex को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ex ही है, ये आ गया हमारे पास 1 plus x का whole square into d of x। अब ये दो वैल्यूज हैं जिनके साथ 1 plus x पे डिवाइड हो रहा है, इस वैल्यू को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ये आ गया 1 plus x ex 1 plus x का whole square d of x minus। अब इस वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करें, ex 1 plus x का whole square d of x। अब बेटा 1 plus x a इसके साथ वैल्यू दे, तो इसको लिखना चाहे तो यूं लिख सकते हैं, ex 1 plus x की minus 1 into d of x। अब बेटा इसी तरीके से आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, ex 1 plus x square, ये माइनस हो जाएगी पावर, ये पावर बेटा नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव। अब ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब बेटा इन दो वैल्यूज को में से हमने एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली कि इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है और इस वैल्यू को हमने एज इट इज रखना। अब जरा गौर करें, जो इनवर्स वाली वैल्यू है वो फर्स्ट क्लिक ली 1 plus x minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ x into d of x। आगे देखो इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट 1 plus x की minus 1 into d of x, तो सेकंड वैल्यू उसी तरीके से माइनस dx 1 plus x की minus 2 into d of x। अब बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 plus x की minus 1, ex की इंटीग्रेशन हो गया बेटा ex, ये भी आ गया ex। अब जरा गौर करें बेटा इसके ऊपर पावर है, हमें इसकी डेरिवेशन लेनी है तो यहां पावर को लगेगा, यानी पावर पहले पावर में से एक माइनस, जब एक माइनस किया अब नेक्स्ट वैल्यू अगर इसकी डेरिवेशन करेंगे तो 1 ही आती है, करने की जरूरत ही नहीं, माइनस ex 1 plus x की माइनस 2 into d of x। अब बेटा ये हमारे पास आ गया, इसको हम दो लिख सकते हैं, ex की पावर माइनस है बटे में जाएगी पॉजिटिव, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देंगे, ये आ गया ex 1 plus x की माइनस 2 d of x माइनस ex 1 plus x की माइनस 2। अब बेटा जरा और की क्या, ये दो वैल्यूज एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है कैंसिल, ये आ गया बेटा हमारे पास ex 1 plus x plus c, ये बेटा हमारा जवाब है। ये अहम चीज है जो शॉर्ट तो नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बेटा ये अहम चीज। लो बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 हमने शुरू करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा मैं बताता चलूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा फेवरेट है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उस पर बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।